Hello and welcome. My name is Mohsin Ahmed. I'm a trainer and application developer. आप देख रहे हैं Python की सीरीज जिसमें हमने लास्ट टाइम में कवर किया था while loop. आज की सीरीज में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम nested of loop basically use कर पाएंगे. Nested of loop की requirement को समझते हैं पहले. Nested of loop का मतलब होता है एक loop के अंदर आप दूसरा loop use करेंगे. आप चाहे तो for loop में while loop use कर सकते हैं. आप for loop में for loop use कर सकते हैं. While loop के अंदर for loop use कर सकते हैं. ये depend करता है आपकी ultimately हमें यहाँ पर nested of loop का use करना है. एक छोटी सी problem के साथ start करते हैं. हमें 2 से लेकर 20 तक का table print करना है. 2 से लेकर 20 तक चलना ये एक loop का काम होगा और individual number की table print करना ये एक दूसरे looping का काम होगा. तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम for loop use करेंगे. यहाँ पर एक वेरिएबल लेंगे दैट इज x, इन ऑपरेटर यूज करेंगे और रेंज लगाएंगे. यहाँ पर हमने कहा 2 से 20 तक, तो 2, 20 तक का मतलब होता है कि 20 से कब तक, तो हम मेंशन करेंगे 21. इनर लूप के अंदर हम वापस से एक और लूप लगाएंगे, वहां पर हम यूज करेंगे i, इन ऑपरेटर लगाएंगे, रेंज एंड देन 1 से लेकर 10 तक. 10 तक के चलने के लिए हमें 11 यूज करना पड़ेगा एंड देन हम प्रिंट स्टेटमेंट लगाएंगे और प्रिंट में i की मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम 2 x के साथ एंड देन हमें इसको एक ही लाइन में प्रिंट करना है तो हम एंड लगाएंगे और एक स्पेस प्रोवाइड करेंगे. जब हम इनर वाले लूप से बाहर आएंगे तो वहां पर एक प्रिंट की स्टेटमेंट लगाएंगे एम्प्टी प्रिंट. एम्प्टी प्रिंट का काम क्या होगा यहाँ पर, जिससे कि एक लूप जब कंप्लीट हो जाए, यानी एक लूप जब कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाए उसके बाद हमें एक नेक्स्ट लाइन मिल जाए. तो ये सिंपल प्रोसेस हम करते हैं और जब ये लूप ही खत्म हो जाएगा तो हम यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे एंड ऑफ फाइल, सेव करेंगे एंड देन हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे. आप एक सिंपल देख सकते हैं, तो 2 का लूप स्टार्ट हुआ 20 तक एंड देन 3 का लूप, 3 का टेबल स्टार्ट हुआ है 4 का टेबल एंड 20 के टेबल तक स्टार्ट हुआ है. अगर आपको लग रहा है कि हमने यहाँ पर 21 क्यों लिया है, तो अगर हम 20 लेंगे तो ये 19 तक चलेगा, तो आप देख सकते हैं 19 का टेबल आएगा एंड देन एंड ऑफ द फाइल आप यहाँ पर पहुँच रहे हैं. तो दिस इज हाउ वी कैन यूज नेस्टेड ऑफ लूप, नेस्टेड ऑफ फोर लूप. ठीक है, ये एग्जाम्पल हमने देखा है. आई होप कि ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गया हो. हमें 2 से 20 तक चलना है. जब हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक चलना होता है तो हम बेसिकली वो दोनों पॉइंट मेंशन करते हैं. तो हमने यहाँ पर ये अल्टीमेटली यूज किया. एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं. इस एग्जांपल में हम परफेक्ट नंबर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. परफेक्ट नंबर क्या होता है? परफेक्ट नंबर होता है जिसमें आप किसी नंबर के फैक्टर्स को सम करते हैं और वो जो सम है वो उसी नंबर के बराबर आता है. That is called perfect number. मैं यहाँ पर एक नंबर ले रहा हूँ जिसका जिसको ले रहा हूँ 6. एक फोर लूप चलाएंगे i n, रेंज ऑफ रेंज फंक्शन लगाएंगे और उसमें मेंशन करेंगे i कॉमा x. x का मतलब है वो 6 तक नहीं चलेगा, 5 तक चलेगा. पहले मैं नॉर्मल प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको. प्रिंट i की वैल्यू को प्रिंट करते हैं, सेव करते हैं एंड देन रन करेंगे. तो 1 से लेकर 5 तक यहाँ पर चल गया. अब हमें चेक करना है कि कौन से नंबर्स हैं जो 6 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देते हैं. वापस से कंडीशन लगाएंगे, x को मोड कराएंगे i से और चेक करेंगे क्या वो 0 के बराबर है. अगर तो वो 0 के बराबर है तो उसको हम प्रिंट कराएंगे. हमने सिंपल प्रिंट कराया 1, 2, 3. अब इस 1, 2, 3 का हमें सम करना है, तो उसके लिए एक वेरिएबल लेंगे sum sum is equals to 0 एंड प्रिंट स्टेटमेंट की जगह हम यहाँ पर sum sum is equals to sum plus i करेंगे. लूप से बाहर आएंगे और सम की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, सेव करते हैं एंड देन रन. और ये हमें बोल रहा है इनवैलिड सिंटैक्स, हमने यहाँ पर स्पेस हटा दिया. वापस से एग्जीक्यूट करेंगे तो ये 6 आ जाएगा.
ठीक है, पर हमें चेक करके बताना है वेदर इट इज परफेक्ट नंबर और नॉट। तो हम यहाँ से इस सम प्रिंट वाले स्टेटमेंट को हटाएंगे और बाहर आकर कहेंगे यदि सम बराबर होता है एक्स के देन इट इज अ परफेक्ट नंबर, इट इज अ परफेक्ट नंबर। एल्स की स्टेटमेंट में आएंगे, वापस से प्रिंट स्टेटमेंट लगाएंगे और कहेंगे इट इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। प्रोग्राम को वापस से रन करेंगे एंड देन इट इज शोइंग इट इज अ परफेक्ट नंबर। नंबर चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल 8 करते हैं, देन एग्जीक्यूट करेंगे, इट इज नॉट अ परफेक्ट नंबर, 8 परफेक्ट नंबर नहीं होता। आप सजेस्ट करें मुझे दूसरा परफेक्ट नंबर कौन सा होता है, दैट इज 28 को चेक करेंगे एंड इट इज अगेन अ परफेक्ट नंबर। नेस्टेड ऑफ कंडीशन में क्या करेंगे, हम यूज करेंगे 1 से लेकर 100 तक के कितने ऐसे नंबर हैं जो कि परफेक्ट नंबर होता है। तो ये जो हमने यहाँ पर x लगाया है ये बार बार एक नंबर जनरेट कर रहा है, तो क्यों ना मैं इसे लूपिंग में यूज कर लूँ। तो मैं यहाँ से इसको कट करूँगा और एक फोर लूप लगाऊंगा, दैट इज x इन रेंज वापस से लगाएंगे, कहाँ तक मुझे चेक करना है, 1 से लेकर 100 तक। 100 के लिए 101 लिखेंगे और इस लूप के अंदर वो पूरा लॉजिक बेसिकली हम यहाँ पर लगा देंगे। लॉजिक लगाएंगे, एक टैब स्पेस करेंगे और अब हमने इसको नेस्ट कर दिया है। सम 0 लिखा है, वापस से एक लगाया है। अभी हमें ये नहीं बताना है इट इज़ नॉट अ परफेक्ट नंबर या फिर इट इज़ अ परफेक्ट नंबर, हमें एल्स स्टेटमेंट नहीं चाहिए, हमें इफ़ की स्टेटमेंट चाहिए, बट हमें ये लिखा नहीं दिखाना है, हमें सिर्फ दिखाना है कि अगर परफेक्ट है तो वो प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो वो एक्स है बेसिकली और हम चाहेंगे कि वो एक ही लाइन में प्रिंट हो, तो इसलिए हम यहाँ पर एक कॉमा लगाएंगे, सेव करेंगे प्रोग्राम एंड देन एग्जीक्यूट करेंगे। 6 and 28 इज अ परफेक्ट नंबर, ओनली 2 नंबर्स आर परफेक्ट नंबर, ओके, इट्स अ सिंपल। अब हम इसको थोड़ा रेंज को और बढ़ाएंगे, फॉर एग्जांपल हम इसको बोलेंगे 1001 तक। अगर वापस से देखेंगे 6, 28 and 496 आर द परफेक्ट नंबर्स, तो ये हमें लिस्ट ऑफ परफेक्ट नंबर मिली। ये बेसिकली वर्क कैसे कर रहा है थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। यहाँ से एक नंबर जनरेट होता है, दैट इज 1, लूप के अंदर एंटर करते हैं, सम की वैल्यू 0 है। एक और लूप लगाते हैं, उस लूप में हमने वापस से रेंज 1 से लेकर x तक चलाई है और ये भी x है यहाँ पर, दैट इज 1, तो 1 से 1 तक तो चलेगा नहीं, पहली बार में लूप वर्क ही नहीं करेगा, और जो सम की वैल्यू है 0 और x की वैल्यू 1 होगी तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। देन ये ऊपर जाएगा, यहाँ से अगला नंबर जनरेट होगा, दैट इज 2, x की वैल्यू 2 हो जाएगी और वापस से वो लूप के अंदर में एंटर हो जाएगा, सम की वैल्यू वापस से इनिशियलाइज 0 हो जाएगी एंड इनर लूप वापस चलेगा, 1 से स्टार्ट होगा और x तक जाएगा, x की वैल्यू है 2, इस बार 1 जो है ये चलेगा और हम यहाँ पर देखेंगे 2 को अगर हम मोड कर देते हैं, 2 को अगर हम मोड कर देते हैं 1 से तो 0 आएगा और 0 प्लस 1 यानी सम प्लस आई जो है वो 1 हो जाएगा। लूप से बाहर आएंगे, x की वैल्यू 2 हो जाएगी, ये फॉल्स हो जाएगा, सीधा लूप से बाहर आएगा। सम में 1 है और x में 2 है तो इक्वल नहीं होता है तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। इस कंडीशन से बाहर आएंगे, देन ऊपर जाएंगे, 3 पर जाएंगे और 3 के केस में भी ये बेसिकली कुछ भी नहीं होगा, अगेन 4 के केस में नहीं होगा, 5 के केस में कुछ नहीं होगा एंड जब 6 होगा तो x की वैल्यू 6 है, सम की वैल्यू वापस से इनिशलाइज 0 हो जाएगी, एक लूप वापस से इनिशलाइज होगा, 1 से लेकर 5 तक चलना है एंड i की वैल्यू यहाँ पर 1 है। अगर हम 6 को मोड करेंगे 1 से तो 0 आएगा और सम में 1 ऐड हो जाएगा, सम की वैल्यू 1 हो जाएगी और वापस हम नीचे आएंगे, वापस हम ऊपर जाएंगे, यहाँ से 2 आएगा, वापस i के अंदर 2 होगा, अभी x में तो 6 है और i में 2 है, तब भी ये कम्प्लीटली मोड करेगा तो सम की वैल्यू जो कि 1 थी, 1 प्लस 2 जो कि अब 3 हो जाएगी, सम की लेटेस्ट वैल्यू 3 है, वापस ऊपर जाएगा, एक वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, दैट इज़ 3,
थ्री वैल्यू आई में रिसीव होगी और वापस से लूप में एंटर हो जाएगा। सिक्स एक्स की वैल्यू है और थ्री आई की वैल्यू है, मोड होके कम्प्लीटली जीरो होगा और फिर से सम जो कि थ्री था उसमें अब वापस से थ्री ऐड हो जाएगा। सम की वैल्यू सिक्स हो जाएगी और वापस ऊपर जाएगा, फोर के केस में आएगा पर एक्स को फोर मोड नहीं कर पाएगा तो सम की वैल्यू अपडेट नहीं होगी। फिर ऊपर फाइव आएगा, आई में फाइव रिसीव होगा, सिक्स को फाइव से मोड करेंगे तो जीरो नहीं आता है तो सम अपडेट नहीं होगा। वापस से ऊपर जाएंगे, इस बार कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इस लूप से हम बाहर आ जाएंगे। जैसे ही लूप से बाहर आएंगे हमारे सामने कंडीशन है जिसमें हमने लिखा है कि x अगर सम के बराबर होता है तो ये x यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। सम में 6 आ गया है, x में भी 6 है और ये यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। वापस ऊपर 7 के केस में जाएंगे, 7 के केस में कुछ भी नहीं होगा। ऐसे ही आपने देखा कि जब हम इसको चलाते हैं तो 6 यहाँ पर बेसिकली प्रिंट होगा। अगला नंबर 28 है जो कि पूरा लॉजिक लिखा है हमने परफेक्ट नंबर का। अगर परफेक्ट नंबर होता है तो ही प्रिंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 1 से लेकर 1000 तक 628 एंड 496 ये थ्री नंबर्स ऐसे हैं जो कि परफेक्ट होते हैं और ये तीनों प्रिंट हो रहे हैं। दैट्स अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ नेस्टेड ऑफ लूप। हमने लूप में लूप भी नेस्ट कर दिया है और लूप में इफ भी नेस्टेड कर दिया है। इसी तरह के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं नेस्टेड ऑफ लूप से। आई होप कि आपको नेस्टेड ऑफ लूप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हम व्हाइल लूप को यूज करके देखेंगे और उसमें हम कैसे बेसिकली नेस्ट कर सकते हैं हम ये देखेंगे। एक क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट की सेशन में बेसिकली दिया था जिसमें हमने आपसे बोला था कि उसे आपको रिवर्स करके दिखाना है कि वो रिवर्स हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक, तो हम यहाँ पर रिवर्स का एक प्रोग्राम लिखेंगे। यहाँ पर हम नम लेंगे, नम को वैल्यू देंगे 234। हम लगाएंगे व्हाइल, हम बोलेंगे जब तक ये नम जीरो के बराबर ना हो तब तक ये चलता चला जाए। यहाँ पर एक रिमाइंडर लेंगे, रिमाइंडर निकालने के लिए नम को 10 से मोड करेंगे और हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा और रिमाइंडर में हमारे पास 4 आएगा। ये बहुत सिंपल एग्जांपल हो सकता है, अगर हम 234 को 10 से मोड करते हैं तो हमें रिमाइंडर 4 मिलेगा। लास्ट वैल्यू हमें मिली, उस लास्ट वैल्यू को हम REV नाम के एक वेरिएबल में बेसिकली स्टोर कर देते हैं। दैट इज R। REV को ऊपर जाकर हम बेसिकली यहाँ पर जीरो से इनिशियलाइज करेंगे। REV की वैल्यू बाय डिफॉल्ट जीरो है, जीरो प्लस फोर को हमने यहाँ पर रखा है तो फोर हो जाएगा। अगले स्टेप में आते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि जो हमने ये नम लिया है इसको 10 से डिवाइड करेंगे। अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो उसका मतलब होता है 23.4 और उसके बाद भी कुछ वैल्यूज आ जाती हैं, पॉइंट 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 के बाद जो भी कुछ वैल्यू आती है। मैं पॉइंट के बाद की वैल्यू नहीं रखना चाहता हूं तो मुझे उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी पॉइंट के बाद की वैल्यू नहीं आएगी। अभी 234 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 23.4 है बट इनकी वजह से पॉइंट के बाद वैल्यू नहीं आएगी तो नम में 23 जाएगा। 23 वापस ऊपर जाएगा, वो चेक करेगा कि जीरो के बराबर तो नहीं है। 23 को 10 से मोड करेंगे तो 3 आर में आएगा और रिवर्स में जो कि 4 था 4 प्लस 3 हो जाएगा। 4 प्लस 3 होगा तो फाइनली 7 इसमें स्टोर हो जाएगा। यहीं पर एक गड़बड़ हो रही है, हमें 3 प्लस 4 नहीं करना है, हमें बेसिकली पहले 4 3 एंड 2 की जो कि हमारा रिवर्स नंबर है वो आना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर एक मैं लॉजिक लगाऊंगा, मैं इसकी मल्टीप्लीकेशन 10 से करूंगा। 10 से जब मैं करूंगा मल्टीप्लाई उसको दोबारा समझते हैं और ये स्टेप यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। इस पूरे स्टेप में सिर्फ ये इनटू 10 जो है यही बहुत प्रॉब्लम वाला है। अगर आपको ये क्लियर हो जाए और ये लॉजिक समझ में आ जाए तो आपको रिवर्स करना बहुत इजी लेवल पर आ जाएगा। मैंने ये लॉजिक कैसे लगाया है उसको समझते हैं। देखिए, जब मैं 4 को 3 से प्लस कर रहा हूँ तो 4 प्लस 3 7 होता है, लेकिन अगर मैं 40 प्लस 3 करूंगा दैट इज 43 होता है। तो वही लॉजिक मैंने यहाँ पर लगाया। पहली बार जब हम जाएंगे 234 है और मैंने नम को कहा कि जब तक वो जीरो ना हो जाए तब तक ये लूप चलता चला जाए। नम को 10 से मोड किया, दैट इज मुझे 4 मिला और मैंने 4 को स्टोर किया एक्स में, आर में।
REV की वैल्यू 0 है, 0 की मल्टीप्लाई मैंने 10 से की है तो 0 ही रहेगा, किसी की भी मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो वो 0 होता है, बट उसमें प्लस कर दिया मैंने 4, REV की वैल्यू बाय डिफॉल्ट यहां पर 4 हो गई। नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, 234 को 10 से डिवाइड करेंगे तो नम में 23 आए। ऊपर चलते हैं वापस, अभी नम 0 तो नहीं हुआ है इसलिए ट्रू है, एक बार व्हाइल लूप में एंटर हो जाएगा। नम जो कि 23 है उसको 10 से मोड करेंगे तो रिमाइंडर में 3 आएगा। अभी नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, REV की वैल्यू 4 थी, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा और R के अंदर जो कि 3 था देन इट इज 43। ये स्टेप अगर आपको समझ में आ गया है तो आपको ये पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है वो समझ में आ गया होगा। REV की 3, REV की वैल्यू 43 यहाँ पर हो गई है। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, नेक्स्ट स्टेप में 23 को 10 से डिवाइड करेंगे 2.3 आता है और पॉइंट के बाद की वैल्यू बेसिकली रिमूव हो जाती है अगर हम उसे इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं। फाइनली नम में 2 आ गया है। यहाँ पर कोई स्टेप नहीं है, अब ये वापस ऊपर जाएगा, नम की वैल्यू अभी भी 2 है, 0 तो नहीं हुई है। जब 0 नहीं हुई है तो ट्रू है और लूप में एंटर हो जाएगा। नम को जो कि 2 है उसको 10 से मोड करेंगे तो 2 ही बेसिकली रिमाइंडर आएगा। 43 REV की वैल्यू है, 43 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 430 आता है, प्लस 2 करेंगे तो 432 हो जाएगा और REV की वैल्यू 432 हो जाएगी। नेक्स्ट लाइन में आते हैं, नम की वैल्यू 2 है, 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 आएगा, पर इंट होने की वजह से पॉइंट के बाद की संख्या रिमूव हो जाएगी जो कि नम में 0 आ जाएगी। वापस ऊपर जाएंगे, इस बार नम को हमने बोला था कि जब तक 0 ना हो जाए, इस बार नम 0 हो गया है। व्हाइल लूप यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगा और हम व्हाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। व्हाइल लूप से बाहर आने के बाद हम एक प्रिंट की स्टेटमेंट लगाएंगे और उसमें REV को हम बेसिकली यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। जैसे ही हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे ये हमें बताएगा जो हमारे नंबर का बेसिकली रिवर्स है, दैट इज 234 ये रिवर्स होकर 432 हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि किसी और नंबर को यहाँ पर हमें चेक करना चाहिए तो मैं यहाँ पर कोई और नंबर चेक करके आपको दिखा देता हूँ। रिवर्स होने के बाद 789 आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम ये होती है कि सर अगर बीच में 0 आता है तब ये नहीं होता है, तो मैं इसे 405 करता हूँ और यहाँ पर हम इसे 504 यहाँ पर याद है। तो ये परफेक्टली बेसिकली मेरा एक रिवर्स वाला प्रोग्राम चल रहा है। ये वही प्रोग्राम था जिसको मैंने लास्ट सेशन में आपको बोला था। अब नेस्टेड ऑफ लूप में मैं इसको क्यों सॉल्व करके बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए कि 100 से लेकर 200 तक जितने भी नंबर्स हैं मुझे उनके रिवर्स चाहिए। या तो मैं ये कह सकता हूँ या फिर एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं कि मुझे पैलिंड्रोम नंबर चाहिए। एक नया क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पर ले लेते हैं, पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम नंबर के बारे में यहाँ पर समझते हैं। पैलिंड्रोम नंबर वो होते हैं जिनको रिवर्स करने के बाद सेम नंबर आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 121 है, उसको रिवर्स करूँगा तो रिवर्स करने के बाद भी 121 आएगा। तो मुझे यहाँ पर बताना है कि कोई भी नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं है। उसके लिए मुझे यहाँ पर इफ स्टेटमेंट हटानी होगी और मुझे यहाँ पर एक इफ स्टेटमेंट लगानी होगी और उसमें मुझे बताना पड़ेगा कि जो मेरा ओरिजिनल नंबर है नम और जो मेरा रिवर्स होकर आया है वो दोनों बराबर हैं या नहीं। यहाँ पर भी एक लॉजिकल मिस्टेक है जो हमने की है, उसको भी हम बताते हैं। मेरा जो ओरिजिनल वैल्यू था जो मैंने यूजर से लिया है मेरा डेटा, उसको मैंने नम व्हाइल लूप में रखा है और उसको मैंने 0 करा दिया। कभी भी अपने ओरिजिनल नंबर को, ओरिजिनल डेटा को हम अगर टच करते हैं तो उसकी एक कॉपी बना लेते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, TEMP नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूँ और उस वेरिएबल में नम की वैल्यू बेसिकली स्टोर करा रहा हूँ। अब अगर नम 0 भी हो रहा है तो मेरी ओरिजिनल वैल्यू TEMP में स्टोर हो गई है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और लिखूँगा TEMP equals to REV। अगर मेरी ओरिजिनल वैल्यू जो कि TEMP में आ गई थी वो अगर रिवर्स के बराबर होती है तो विच मीन्स इट इज़ अ पैलिंड्रोम नंबर। मैं यहाँ पर एक प्रिंट की स्टेटमेंट लगाऊंगा और उसमें लिखूंगा पैलिंड्रोम। एक else की स्टेटमेंट लगाऊंगा और उसमें बोलूंगा नॉट अ पैलिंड्रोम।
और इसको एग्जीक्यूट करके बताऊंगा, ये बता रहा है नॉट अ पैलिंड्रोम। तो मैं एक ऐसा नंबर लेता हूँ जो कि पैलिंड्रोम बताए, 404 इज अ पैलिंड्रोम नंबर। अगर मैं इसको 919 करता हूँ, अगेन इट इज अ पैलिंड्रोम। अब क्वेश्चन ये आता है नेस्टेड ऑफ लूप के लिए कि मुझको 100 से लेकर 200 तक जितने भी पैलिंड्रोम नंबर है मुझे उनको प्रिंट करके दिखाना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक लूप लगाता हूँ फॉर, एक वेरिएबल लेता हूँ जो कि नम है, इन ऑपरेटर, और यहाँ पर एक रेंज लगा देता हूँ। रेंज में लिखता हूँ 100 से लेकर 201 तक, और ये जितना कोड मैंने लिखा है इस कोड को मैं एक टैब स्पेस से इनर बना देता हूँ। यहाँ पर एल्स की स्टेटमेंट मुझे नहीं चाहिए, जो पैलिंड्रोम नहीं है उसको मुझे कुछ भी नहीं करना है, लेकिन जो पैलिंड्रोम नंबर्स हैं उनको मुझे प्रिंट करना है जैसे कि नम, और सारे के सारे नंबर एक ही लाइन में आने चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक कॉमा स्पेस लगा देता हूँ, सेव करेंगे एंड एग्जीक्यूट करेंगे तो ये सब में 000 आ गया। ठीक है, देखते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या आई है। ओके, नम की वैल्यू आ गई है और नम को हमने बेसिकली यहाँ पर यूज किया है, तो एक प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो गई है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें अल्टीमेटली टेम्प को बेसिकली प्रिंट कराना है, temp। और ये आपके पास आ गए हैं, मैं वापस से इसको एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूँ। तो 101, 111, 121 दीज आर दी पैलिंड्रोम नंबर्स। अब ये कैसे वर्क कर रहे हैं, देखिए नम तो अल्टीमेटली यहाँ पर जीरो हो जा रहा है इसलिए वो जीरो है, और मैंने जो भी नंबर रखा है वो टैप में रख लिया है। तो ये ऐसे भी किया जा सकता है, अदरवाइज आप टैम्प को यहाँ पर रखकर सॉल्व कर सकते थे जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस है। मैंने जो एग्जांपल लिया है वो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, चलिए मैं चेंज कर देता हूँ, मैं इसको ऐसा नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पर टैम्प रख लेता हूँ, क्योंकि टेम्प्ररी वैल्यू को अगर हम यहाँ पर ज़ीरो कर रहे हैं दैट इज़ ओके, बट अगर हम अपनी मेन वैल्यू को ज़ीरो कर रहे हैं ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती है। temp। अभी temp तो ज़ीरो हो गया है, हमारा मेन नंबर नम है और नम को ही हम यहाँ पर चेक करेंगे, ये एक प्रैक्टिस प्रॉपर हो गई है। वापस से हम देखेंगे एंड दैट इज। अब अगर आप इस रेंज को बेसिकली कुछ ऊपर नीचे करना चाहते हैं, मैं 1 से करना चाहता हूँ तो ये मुझे बताएगा, तो दैट इज 1, 2, 3, 9 तक तो सेम ही रहेगा, एंड देन 11, 22 and 30 दीज ऑल आर द पैलिंड्रोम नंबर। मैंने लास्ट प्रोग्राम में आपको 3 क्वेश्चन दिए थे, आई होप कि आपको वो क्लियर हो गए होंगे। आज की सीरीज के लिए मैं आपको 2 क्वेश्चन और भी दे देता हूँ। एक है आपको चेक करना है पैलिंड्रोम नंबर, सॉरी आर्मस्ट्रांग नंबर, आर्मस्ट्रांग नंबर चेक करना है कि कोई नंबर आर्मस्ट्रांग है कि नहीं है। आर्मस्ट्रांग नंबर होते हैं जैसे 153 में आप क्या कर सकते हैं, 1 का क्यूब करेंगे प्लस 5 का क्यूब करेंगे प्लस 3 का क्यूब करेंगे। अगर इनकी सम 153 आता है तो दैट इज अ आर्मस्ट्रांग नंबर। और आपको सेकंड क्वेश्चन में बताना है प्रिंट 1 to 1000 आर्मस्ट्रांग नंबर्स। ठीक है, तो आपका एक ये हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के लिए मैंने एक क्वेश्चन दिया है और मैं चाहूंगा कि आप इसको सॉल्व करें। अगर आपको ये प्रॉब्लम आती है या फिर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम यहाँ पर आती है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, हमारे एक्सप्लेनेशन का तरीका आपको अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं कि हम और इस टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाएं, या कोई आपकी स्पेशल रिकमेंडेशन है तो मुझे बेसिकली कमेंट में बता सकते हैं। वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और बहुत सारा प्यार आपका मिल रहा है इसी तरह आपका प्यार बना रहे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।